कला सृष्टि मंच कुरुक्षेत्र द्वारा एक निजी होटल में रिश्तों को बनाए रखें, घर को सजाए रखें, अपने तो अपने होते हैं, अपनों से सपने होते हैं विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आधुनिकता के परिवेश में बदलते रिश्तों को मजबूत करने पर बल देते हुए संस्था के प्रमुख ब्रिज शर्मा ने बताया कि हमारे समूह का उद्देश्य स्वस्थ मनोरंजन के साथ समाज को नई दिशा देने वाले कार्यक्रम को प्रदर्शित करना है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार ब्रिज शर्मा, जो पिछले 4 दशक से संस्कृति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जिंदा दिली से जी जान से लगे हुए हैं, इस कार्यक्रम में एक लघु नाटिका जो संगीत और नृत्य विधा से सजी हुई थी, समूह के सदस्यों ने प्रस्तुति प्रदान की। इस समूह में शामिल करीब 50 वर्ष से अधिक के सभी साथी हैं, लेकिन उनका बेहतरीन प्रदर्शन युवाओं से कदापि कम नहीं है। इस नाटिका का लेखन एवं निर्देशन ब्रिज शर्मा द्वारा किया गया है। इस समूह में शामिल साथियों की संख्या 65 के करीब है। कला सृष्टि मंच संस्था 10 के करीब अपने कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। यह संस्था धर्मनगरी में मिसाल बनी हुई है। इस कला सृष्टि मंच समूह में शामिल 20 साथी 60 वर्ष की आयु से अधिक के हैं। इस लघु नाटिका में अभिजीत शर्मा, तानिया शर्मा और साईशा शर्मा का आगमन स्वागत करते हुए रिश्तों की मजबूती पर बल दिया गया। प्रोग्राम में भाग लेने वाले साथियों में डॉक्टर सौरभ चौधरी, मधु मल्होत्रा, रमा शर्मा, सुचिस्मिता शर्मा, दीपक कौशिक, सत्यभूषण, रेणु कुगर, पृथ्वी गौतम, नारायण कालड़ा, शिव कुमार, मंजू सिंगला, अन्नपूर्णा, स्वाति गुप्ता, नीरज आश्री, मीरा गौतम, सुषमा गौतम, अंकित शर्मा, हर्षिता शर्मा, दीपक शर्मा, अनिल कपूर, सुनील शर्मा, ज्योति आहूजा, आशिक खेत्रपाल, सुशील कुमार, प्रदीप शर्मा, बिंदिया, मोहिंद्र शर्मा, भावना, पर्ल मार्क होटल के एमडी धीरज गुलाटी, रेडियो कलाकार शशि बाला, हिम्मत सिंह इत्यादि मौजूद रहे। संस्था ने नए साल को नई दिशा देने का आह्वान किया। संस्था द्वारा कोविड के लिए भी सहयोग देने पर विचार रखे गए। विशेष सहयोगी राजेश सिंगला ने बताया कि अगले साल से महिला सशक्तिकरण और स्वस्थ मनोरंजन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी अवसर पर ब्रिज शर्मा की लिखित कहानियों का संग्रह पुस्तक भोर के आंसू का भी विमोचन किया गया, जिसका रिव्यू महासिंह पुनिया, निदेशक यूथ एंड कल्चर विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में समाज के बदलते परिवेश और उसमें सुधार की बिंदियों पर बल दिया गया है। इसका विमोचन भी सभी समूह साथियों द्वारा किया गया। ब्रिज शर्मा ने कहा कि इन कहानियों पर आधारित समूह द्वारा नाटकों के माध्यम से समाज को उजागर किया जाएगा। अपने तो अपने होते हैं और अपनों से सपने होते हैं। कला सृष्टि मंच कुरुक्षेत्र द्वारा इस विषय पर आधारित कार्यक्रम पर मार्ग कुरुक्षेत्र में 26 दिसंबर को आयोजित किया गया। इस समूह में लगभग 50 ऐसे सदस्य हैं जिनकी आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक की है। इस कार्यक्रम में रिश्तों को जो बिखराव है, जो टूटन आज के समाज में है, उसको संजोने की बात कही गई है। एक कहानी का आधारित लेकर नृत्य, गायन और अभिनय के माध्यम से इस समूह का ये 10वां फंक्शन है। और इससे पूर्व भी जो हमारे कार्यक्रम रहे हैं उसमें सामाजिकता की जो भी दशा है, दिशा है, उसको स्वच्छ मानसिकता के माध्यम से हमें एक नई सोच लेकर आनी है। और इसी विचारधारा के साथ आगामी 2022 को हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम समाज को अपने समूह के माध्यम से अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें और जिससे कि हमारे समाज में नई चेतना का संचार हो सके।